जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिट एग्जाम पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। दैनिक भास्कर की न्यूज है 23/4/2021 बेरोजगारों को चाहिए नियुक्ति की वैक्सीन। पिछले साल भी टली थी भर्तियां, संक्रमण का ग्रहण, 60,000 नौकरियां अटकी, 40,00,000 युवाओं के सपने क्वारंटाइन। रीट और आरएएस भर्ती 2018 की भर्तियां तो 3 साल से पूरी नहीं हो पाई है। रीट का आयोजन 20 जून को होना है, लेकिन जून में राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुई या कोरोना के मामले नहीं घटे तो रीट भी मुश्किल है। इसके अलावा अभी इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नए प्रावधान भी लागू होने हैं। आवेदन की प्रक्रिया भी ओपन होनी है। इसको देखते हुए रीट के अभ्यर्थियों को अभी परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए कब तक इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले साल की तरह एक बार फिर बेरोजगार की सरकारी नौकरी पाने के सपने को कोरोना का ग्रहण लग गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 69,317 पदों की अलग अलग भर्तियां अटक गई है। इन भर्तियों में 17,448 पदों की भर्तियां तो प्रक्रियाधीन है और इनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। वही रीट और आरएएस भर्ती 2018 जैसी परीक्षाएं कई सालों से चल रही है। इसके अलावा 41,869 पद पर नई भर्तियां शुरू होनी है। अब इन भर्तियों की प्रक्रिया में भी देरी होनी चाहिए। कुल मिलाकर प्रदेश में 40,00,000 से अधिक अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में इंतजार कर रहे हैं। जिन परीक्षाओं की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है उनके लिए भी अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो साफ लिखा है अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसका मतलब अगस्त से पहले रीट का आयोजन नहीं हो सकता। जब कोरोना का संक्रमण कुछ हद तक कम हो जाए, अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नए प्रावधान लागू करके फॉर्म रीओपन करने चाहिए। इसके तुरंत बाद परीक्षा तिथियों की भी घोषणा कर देनी चाहिए। जबकि भर्ती एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के मामले घटने के बाद वे सरकार के निर्देशानुसार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई है, जिसमें कॉलेज व्याख्याता, सरकारी उपभोक्ता भंडार, एसआई 2021, पटवारी भर्ती, वनपाल, वन रक्षक भर्ती, कृषि प्रवेशक भर्ती, बिजली कंपनियों की भर्ती, हाईकोर्ट एलडीसी, हाईकोर्ट ग्रुप डी, इसके अलावा हेडमास्टर, हेडमास्टर की ये नई भर्तियां जो अटकी हुई हैं, ग्राम सेवक है, रेट एग्जाम 30,000 पदों की, स्कूल व्याख्याता 3,000 पदों की, 181 पदों की, मोटर वाहन उपनिदेशक आरएएस 2021 1,000 संभावित पद है और फार्मासिस्ट भर्ती 4,105 पदों की। कुल मिलाकर 41,869 पद है जो तो नई भर्तियां हैं और 17,448 पद है जो प्रक्रियाधीन है। क्या कारण है इनकी भर्ती परीक्षाओं के अटकने के, तो चार कारण बताए गए हैं। देश के प्रमुख चार कारण, पहला है तो कोरोना है जो आप सबको पता है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, कई भर्तियां ऐसी जिनमें लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इसलिए जब तक कोरोना पर कंट्रोल नहीं हुआ परीक्षा होना मुश्किल है। दूसरा है ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया, जिन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नए प्रावधान लागू होने, आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होगी, इसमें जितनी देरी परीक्षा उतनी लेट होगी। तीसरा है बोर्ड परीक्षा के कारण है, राजस्थान बोर्ड की मई में होने वाली परीक्षाएं स्थगित हो गई। कोरोना के मामले घटे तो ये परीक्षाएं जून या जुलाई में हो सकती है, इस कारण भर्तियों की परीक्षाएं जुलाई के बाद ही हो सकेगी। अगर जून या जुलाई में बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो नीट का एग्जाम अगस्त से पहले नहीं हो सकता, ऐसी संभावना लगाई जा रही है। जैसा कि व्याख्याता हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी हैं वो यूट्यूब वगैरह पर बता रहे हैं कि अगस्त से पहले कोई भी संभावना नहीं है। चौथा कारण है कॉलेज परीक्षाएं, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाएं मई में होनी थी, ये स्थगित हो गई। इन परीक्षाओं की जुलाई में होने की उम्मीद है, ऐसे में कोई भी भर्तियों की परीक्षा इनके बाद ही होगी। तो ये थी आज की न्यूज। आप तो 20 जून को मानकर तैयारी करें, लेकिन एग्जाम अगस्त से पहले होने की संभावना बहुत कम नजर आई है। अरे अगर कोरोना के केस घटते हैं तो ही अगस्त में हो पाएगी। धन्यवाद।